गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत ज्यादा जल्दी उठ गई, मतलब बहुत ज्यादा सुबह सुबह उठ गई, तो मैंने सोचा आज व्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी अभी 5-6 दिन से नहीं है और घर का काम भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया था और इन लोगों का भी काम हो गया था, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, इस कारण करना पड़ रहा था। वैसे खाना वाना तो पापा बना ही लेते थे, लेकिन तब भी थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया था, लेकिन मम्मी कल परसों में आ जाएंगी। करने से पहले ब्रश ही कर लेते हैं अपन। क्या किसी व्यक्ति से बात करते वक्त आपके मुंह से भी स्मेल आती है? तो आप इस माउथ वॉश को जरूर यूज कर सकते हैं। ये उदासीपन भगाता है और ताजगी दिलाता है। यार मजाक था यार, कहीं रखने की जगह नहीं है, यहाँ रख के निकाल रही हूँ मैं, और ये मेरे से निकल तक नहीं रहा। निकल जा भाई। हाँ निकल गया। इसलिए मैंने अपने से ज्यादा हाइट वाले के में रखा है। टक लो यार, इतना सारा नहीं करते हैं, इसको फिर रखना पड़ेगा आधा। नीचे में ही करती हूँ यार, वो ज्यादा जमेगा। यहाँ रखो, आ जा भाई। अब आधा वापस से डालना पड़ेगा। बाथरूम में ना यार मेरे को ब्रश करने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता, क्योंकि ठंडी लगते रहता है अंदर। इतना ही यूज किया जाता है यार, इतना। तो मैंने कुछ करने का सोचा है, मैं करूंगी योगा, क्योंकि योगा सही होगा। कुछ भी। इसमें थोड़ा हनी डाल लेते हैं। योगा करने के बाद अगर हनी वाला पानी पियो तो सेहत के लिए अच्छा होता है, मतलब रोज सुबह उठकर हनी वाला पानी पीना ही चाहिए। वैसे ये खुल भी नहीं रहा, इसलिए मैं पहले इसमें डाल के रख देती हूँ। मैंने हल्का गर्म किया है पानी को, अब इसको यार। योगा जो है एकांत में किया जाता है, तो अब मैं एकांत में योगा करूंगी। जब मैं एकदम चैंपियन हो जाऊंगी योगा में, मतलब प्रो हो जाऊंगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी योगा करके। अभी तो मैं खुद करती हूँ, इसलिए चलते हैं। तो योगा मैंने थोड़ा बहुत कर लिया, मेरे पसीना भी निकल रहा है थोड़ा। मैंने फर्स्ट दिन था इसलिए ज्यादा योगा नहीं किया, लेकिन मैं सुनी हूँ कि मुल्तानी मिट्टी लगाने से जो है बाल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी लगाने से बाल कैसे होता है। तो मैंने मुल्तानी मिट्टी को पीस लिया, जैसे बोलती हूँ ना, मैंने मुल्तानी मिट्टी से बाल धोया धो लिया मैंने। तो ये मेरी दीदी और भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इतना टोक रहे हैं ये लोग। फिर भी चलो यार, मैं इसको लगाती हूँ, इसको देखते हैं मतलब कैसा होता है। लेकिन मेरा बाल थोड़ा सा बढ़ गया, पहले उसको काट लेती हूँ फिर लगाएंगे। रात को बाल में बहुत सारा तेल लगा हुआ था मेरा, तो अब मैंने निकाल लिया यार। मैंने इसको थोड़ा सा फिर से काट लेते हैं, फिर उसके बाद मुल्तानी मिट्टी लगा के इसको धो के देखेंगे, फिर मैं रिजल्ट बताऊंगी कि कैसा होता है यार। ये कैसा फंसा हुआ है, ये अपना दांत को भी गड़ा दिया है। मेरे को इसको छूने में भी अजीब सा, तो छू क्यों रहे यार। अब मेरे कपड़े में चीटा चढ़ गया था, इसलिए मैं प्लेस चेंज कर रही हूँ। पीछे जाओ, अच्छी बहन बनने की पूरी कोशिश करना। तो अब दीदी चली गई, हम दोनों को झगड़ा हो गया तो वो चली गई। ये मुल्तानी मिट्टी जो दीदी ने बारीक बारीक पीसा था, हमने उसको अब बंटवारा कर लिया। कट जा। कट गया। Oh my God! Wow! बहुत सारा कट गया यार। तो ये मैंने बाल काट ली, मुझे पता नहीं है कि ऊपर नीचे कटा है या कैसे कटा है, लेकिन जो होना था हो गया। अब ये बारी है इसकी, मुल्तानी मिट्टी में हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं बस, और फिर इसको ऐसे ही लगा लेंगे। मेरा नहाना धोना सब हो चुका है, और मुल्तानी मिट्टी का असर जो है एक दिन में तो नहीं दिखता यार, मुल्तानी मिट्टी का असर। और मैंने बाल काटा था ना, वो सामने का तो छोटा छोटा कटा है, लेकिन पीछे से पूरा लंबा हो गया है। तो अब पापा भी नहीं है घर पे, अब हम ही लोगों को बना बना के कुछ खाना है। तो मैं सोच रही थी कि पहले मोमोज खा लेते हैं, फिर अपन करेंगे गुपचुप चैलेंज करूंगे मैं अपने छोटे भाई के साथ। पापा जो है कल आएंगे मम्मी के साथ, तो आज इन सब को चुनकू मुनकू को और जिमी को भी खाना मेरे को देना पड़ेगा।
क्योंकि दीदी लोगों को पता नहीं रहता ना इतना अच्छे से कि कैसे देना है कैसे नहीं करके, तो नहीं दूंगी। वैसे मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद बॉल मतलब बाल बाल बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था, अच्छा लगा यार, अच्छा लगा। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही सूखा, इसलिए जब सूखेगा तभी मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगी ऐसा सोची थी, तो अब कर रही हूँ मैं। अभी शाम हो रही है और गुपचुप लेने, अरे पानी पूरी बोलते हैं क्या हम, चलो गुपचुप गुपचुप लेने मेरे को खुद पैदल जाना पड़ रहा है। और आज मार्केट है, वो क्या है, मैंने सोचा कि स्कूटी में चली जाऊंगी, मैंने बोल दी फिर से। चुप लेने के लिए हमें खुद जाना पड़ रहा है वो बाजार, मैंने सोचा था कि स्कूटी में चली जाऊंगी मैं मतलब, और मेरे को बाद में पता चला मतलब अभी देखी मैं बाहर तो कि स्कूटी तो पापा लेकर के गए हुए हैं, तो पैदल ही जा रही हूँ यार आज बाजार में। वैसे तो हम लोग लेने आए थे गुपचुप, लेकिन अभी हम लोग आए हैं 10 का 3 समोसा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ की चटनी बहुत ज्यादा तीखी होती है। यहाँ मिलता है 10 का समोसा 2 और 10 का बड़ा 4 और चटनी रहता है बहुत टेस्टी, तो दे रहे हैं दोनों। तो गुपचुप चैलेंज करने से पहले पहले चाट खाना पड़ता है, लेकिन चाट मेरे को पसंद नहीं इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, चाट खाएंगी ये, तो मैं रुकी हुई हूँ अभी फिर लेंगे। तो अब मैंने चाट खा लिया, अब लेने बारी है गुपचुप की, मतलब लेने की बारी है गुपचुप की। तो मेरे को ना 100 रुपए का चाहिए गुपचुप पैक कर रहे है अभी, हाँ दे दो। वो क्या है ना मैं खाने के लिए यहीं आती हूँ, इसलिए मैं यहीं से लेकर के जा रही हूँ, लेकिन मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और रात भी होने वाली है। खा लेते हैं मतलब ले लेते हैं। अभी हमने गुपचुप को पैक करा लिया, हमने वही रखा हुआ है ठीक है, और अभी हम लेने जा रहे हैं मैगी और पास्ता और सोयाबीन की सब्जी, क्योंकि सोयाबीन की सब्जी नहीं बोलते यार, सोयाबीन की बड़ी बोलते हैं, क्योंकि सोयाबीन की बड़ी जो है उसका हम लोग सब्जी बनाएंगे, सोयाबीन की सब्जी। हमने ले लिया ये पास्ता, सोयाबीन की बड़ी, मैं सब्जी नहीं बोली, और ये मैगी हमने लिया ये 2 रुपए का है, फिर हमने 5 का यार, तो मेरे से वही नहीं, मैंने दीदी को पहले से ही कहा था कि हम लोग जो है थैला रख लेते हैं, ऐसा पकड़ने की नौबत नहीं आते। तो मैं और दीदी जो है लाने के लिए गए थे, हम लोग गुपचुप चैलेंज करेंगे करके गुपचुप लाने के लिए गए थे, साथ में मोमोज बड़ा और बहुत सारी चीजें हमने ला लिया। तो फिर उसके बाद जब हम लोग घर आए तो भाई खाना खा चुका था, तो कहता है मेरे को नहीं करना गुपचुप चैलेंज करके, तो यार भाई मैं कितना सारा लाई हूँ मैं खुद उतना नहीं खा सकूंगी, तो फिर अभी रखाया हुआ है वो, यार मैं गुपचुप ही नहीं खाऊंगी, अब मेरे सोने का टाइम है मैं सो जाऊंगी आराम से बस। क्या, हाँ रख रही हूँ दीदी, बोल रही थी गुपचुप वगैरह सब है उसको रख दे वापस से कहीं दूसरी जगह रख दी, क्योंकि मैंने सामने में रख दिया था यार, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है मैं क्या करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बहुत सोची कि मैं क्या करूं, अब वो जो गुपचुप है वो वेस्ट हो जाएगा, तो अब मैं चैलेंज करने वाली हूँ, 2 लोग रहेंगे मैं और मेरी तन्हाई, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। अब हम दोनों ही गुपचुप चैलेंज करेंगे, देखते हैं कौन विनर होता है, ठीक है आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, गुपचुप चैलेंज करने के लिए कोई नहीं मिला तो मुझे खुद से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रहूंगी मैं और यहाँ पे रहेगी मेरी तन्हाई, अब हम दोनों ही कंपटीशन करेंगे। मेरे पास ना रखने का कोई साधन भी नहीं था, ठीक है तो मैंने ये ला लिया, ये बैठने का स्टूल, दीदी बोल रही तो फालतू काम कर रही है। अब हर जीनियस को पहले लोग पागल ही कहते हैं, मैं पागल नहीं बोलती, अच्छा पागल नहीं बोले क्या, अच्छा ठीक है पागल नहीं बोले, लेकिन फालतू काम तो बोल रहे, फालतू काम नहीं कर रहे हैं यार हम। ये वाली मैं हूँ, ये मेरी तन्हाई है, ठीक है कौन ज्यादा खाती देखना, ठीक है रेडी स्टेडी गो। चलो चलो हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया है, देखना है कौन ज्यादा खाता है। मेरी तन्हाई ने अभी कितना खाई, 3 और तू भी 3, मेरी तन्हाई का भी 3 हुआ है, मेरा भी 3 हुआ है,
आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जो जीता वो सिकंदर। ये कुछ भी बोलते हैं, ठीक है? मेरी तनहाई और ज्यादा नहीं खा सकती, बस इतना ही खाएगी। मेरी तनहाई हार गई, मैं जीत गई, ठीक है? तो मेरा हो गया सारा चीज। यार ये कैसे बंद होता है, ये मोबाइल भी बंद नहीं हो रहा। अब मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकती। रात को खाना अभी, वैसे हम लोग खाना नहीं बनाएंगे रात को, हम लोग खाएंगे पास्ता या फिर कुछ और खाएंगे। हम लोग कितना बाहर का खाते हैं यार, जंक फूड बहुत सारा खाते हैं, पेट खत्म हो जाएगा उससे। लेकिन यार बनाने का मन नहीं हो रहा, अभी मेरे को बर्तन भी साफ करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।